तालिबे इल्म नहीं हैं, ये देख सकते हैं इस वक्त ये नशा कर रहे हैं, नौजवान बिगड़ रहे हैं, कहीं और नहीं हैं, गवर्नमेंट सिटी स्कूल कोरंगी 6 नंबर पर, ये देख सकते हैं आप, दिखाओ ज़रा, सिटी गवर्नमेंट स्कूल जो कि ज़िली इंतज़ामिया के अंडर में है। ज़िली इंतज़ामिया में कौन है? इस वक्त का DC, इस वक्त का AC, यहाँ का मुतलिका लांडी AC, जो कि कोई फिक्र नहीं है, ऑल इज़ राइट की रिपोर्ट देते हैं, और ऑल इज़ राइट की रिपोर्ट हम उन्हें आईने दिखा रहे हैं किस तरह दे रहे हैं। स्कूल में अगर ये चर्च ये अड्डा नहीं बनता है मंशियात का, तो तुम समझते हो कि तुम इस लत में लगते? नहीं लगते है? नहीं, फिर से बोलो, नहीं लगते इस लत में, बोलो नहीं लगते। एक बार और वजीर आजम के लिए पैगाम दो, लगते? नहीं लगते। एक बार वजीर आला के लिए पैगाम दो, नहीं लगते। एक बार DC कोरंगी के लिए पैगाम दो, नहीं लगते। अगर ये स्कूल मंशियात का गढ़ नहीं बनता, यहाँ चौकीदार होता, यहाँ दीवारें सही होती, दरवाजा बंद होता, अगर यहाँ अफसरान का विजिट होता, तो तुम इस मंशियात की लत में लग जाते? ये ऐसी लांडी के लिए पैगाम दो, लग जाते? नहीं, मंशियात नहीं होती तो नहीं लगते, नहीं लगते। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम, प्रोग्राम आज़ाद के साथ आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हूँ। नाज़रीन, लांडी 6 सिटी गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल की हालत इज़हार आप देखेंगे तो यकीन करें हमसे तो इजहार ही नहीं हो रहा है। किस तरह से इजहार करें, किस तरह से ये इमेज दिखा दें, दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी अपनी आने वाली नस्ल का मसला है। नाज़रीन, ये स्कूल जो है अमाइजगाह बन चुका है। इस वक्त यहाँ से पूरे शहर में चर्स, अफ्यून और पाउडर और आयश जैसा ख़तरनाक नशा यहाँ से सप्लाई हो रहा है। इस वक्त क्लासें कोई बच्चे तो यहाँ ले नहीं रहे हैं, इसीलिए हुकूमत जो है, हुकूमत सिंध बिलखसूस, वो बंद रखना चाहती है स्कूल्स। उसकी वजह क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है, मैनेजमेंट है कागज़ के हद तक है, मगर प्रैक्टिकली मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से ये कोई तालिबे इल्म नहीं है। ये देख सकते हैं इस वक्त ये नशा कर रहे हैं, नौजवान बिगड़ रहे हैं, कहीं और नहीं हैं, गवर्नमेंट सिटी स्कूल कोरंगी 6 नंबर पर, ये देख सकते हैं आप, दिखाओ ज़रा, ये नौजवान बिगड़ रहे हैं। किसको सुनाएं ये रोदात और कौन सुनने वाला है? किसी को कोई फिक्र नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल, जो कि मैं हालत इज़हार भी आपको दिखा दूं यहाँ की क्लासेस की, कि किस तरह से, यकीन जानिए रोना आता है, समझ में नहीं आती है। ये रोदात सुनाएं तो किसको सुनाएं, सुनवाई कौन करे इसकी? यहाँ की पुलिस को सब कुछ पता है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता है। DC आराम से अपने कमरों में, चिल कमरों में बैठे हुए हैं, जबकि उनके अंडर में है सिटी गवर्नमेंट स्कूल, जो कि ज़िली इंतज़ामिया के अंडर में है। ज़िली इंतज़ामिया में कौन है? इस वक्त का DC, इस वक्त का AC, यहाँ का मुतलिका लांडी AC, जो कि कोई फिक्र नहीं है, ऑल इज़ राइट की रिपोर्ट देते हैं, और ऑल इज़ राइट की रिपोर्ट हम उन्हें आईने दिखा रहे हैं किस तरह दे रहे हैं। ये देखें, अब इन्हीं की ज़बानी आप सुनते हैं, ये जो क्लास ले रहे हैं इस वक्त, नशे की बाकायदा नशे में ये धुत है इस वक्त। जी भाई, क्या नाम है? सलीम है। सलीम, सलीम, ये बताओ मेरे, अच्छा भाई, ये कहाँ से लेते हो? कभी सलाउद्दीन से ले लेते हैं, कभी सो क्वार्टर से। कहाँ जगह, कहाँ पर अभी इस वक्त हम कहाँ पर बैठे हैं? ये हम तो खड्डे क्वार्टरों में, 51B में स्कूल है, नहीं, रोशनी स्कूल है, रोशनी स्कूल है, कोरंगी नंबर 6 सिटी स्कूल, जी वहीं खड़े हुए जी, उसके अंदर बैठे हुए जी। अच्छा, कब से कर रहे हैं नशा? सब मेरे को तो 25-26। पुलिस वुलिस नहीं आती है? आती है साहब, बाजो टाइम। फिर क्या लेते हैं आपसे? बस ये कुछ भी, नशा पैसे जो भी हुआ है वो ले कर चल देते हैं, वो भी नशा और पैसे लेके चले जाते हैं। आप लोगों को सज़ा नहीं देते हैं? कभी बंद हुए हो? नहीं साहब, कभी बंद नहीं हुए। अच्छा, नशा करते हुए पुलिस देखती है और पकड़ती है, फिर नशा और जो भी चीज़ आपके पास है वो, और आपके जेब में जो भी है पैसा, वो लेके चले जाते हैं? हाँ, लेके चले जाते हैं साहब, यही करती है, जो होगा नशा पत्ता या पैसे भाई वो लेके अपने साथ चल देते हैं। अच्छा, ज़्यादा 2-4 हाथ मार देते हैं बस। अच्छा, कुटाई कर देते हैं। अच्छा, ये बताओ कब कब आती है, किस किस दिन आती है, कोई मखसूस दिन है या किसी भी वक्त? कोई किसी टाइम भी आ सकती है। आ सकती है। नशा करने वालों की तादाद कितनी होती है? अब तो देख के भाग गए यहाँ से। कुछ नहीं तो 50-60 बंदा सारे दिन में। यकीन जानिए, ज़िले इंतज़ामिया को डूब के मरने का मकाम है। मैं तो ये कहूँगा, इससे सख्त अल्फाज मेरे पास नहीं है, डूब के मरना चाहिए। बच्चों ने तालीम हासिल करनी है, बच्चों का दरसगाह है, वहाँ पर 50-60 मंशियात पीने वाले नशा अवर चीज़ें लेकर यहाँ पर बैठ जाते हैं आराम से, सुकून से। बकौल इनके की पुलिस आती है, इनके पास जो भी पाउडर है तो पाउडर, चर्स है तो चर्स, जो भी है आइस है तो आइस, वो ले कर जाती है, जेब की तलाशी ले कर जो भी पैसे हैं वो भी ले कर जाती है। सिटी गवर्नमेंट का दूसरा शागिर्द यहाँ है। जी शागिर्द नंबर 2, क्या कहोगे, कब से पी रहे हो? 4-5 साल हो गए सर पीते। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है सर। कितना? 19 साल। 19 साल।
तुम इस लत में कैसे लग गए? बस सर लग गया सोबत में है? सोबत में लग गया बस। स्कूल में अगर ये चरस ये अड्डा नहीं बनता है मंशियात का तो तुम समझते हो कि तुम इस लत में लगते? नहीं लगते है? नहीं कैसे बोलो? नहीं लगते इस लत में। एक बार और बोलो। नहीं लगते। एक बार और वजीर आजम के लिए पैगाम दो, लगते? नहीं लगते। एक बार वजीर आला के लिए पैगाम दो, नहीं लगते। एक बार डीसी कोरंगी के लिए पैगाम दो, नहीं लगते। अगर ये स्कूल मंशियात का घर नहीं बनता, यहाँ चौकीदार होता, यहाँ दीवारें सही होती, दरवाजा बंद होता, अगर यहाँ अफसरान का विजिट होता तो तुम इस मंशियात की लत में लग जाते? ये ऐसी लांडी के लिए पैगाम दो, लग जाते? नहीं, मंशियात नहीं होती तो नहीं लगते इस लत में। नहीं लगते। अच्छा, तुम यहीं के रिहायशी हो? जी। कहाँ पर रहते हो? इधर 51 में, बराबर में ही। जी। अच्छा जी, ये शागिर्द नंबर 3 है। मंशियात सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा इनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं मंशियात के लिए। आप देख सकते हैं ये तालीमी इदारे तो नहीं हैं, यहाँ का हेडमास्टर भी होगा, हेडमिस्ट्रेस भी होगी और चौकीदार भी होगा, और सिंध गवर्नमेंट बाकायदा किया फ़ंड भी एलोकेट करके फाइलों में वो एलोकेशन हुई होगी फ़ंड की भी। शागिर्द नंबर 3 जी, क्या कहोगे? कब से नशा कर रहे हो? 4 साल हो गए। नाम बताओ? आसिफ नाम। अब बताओ कि तुम्हारे बहन भाई हैं? जी सर। तो शर्म नहीं आती आपको? आती है सर। तो क्यों कर रहे हो ये? बस सर यहाँ से जब से 51 में आए जब से कर रहे हैं। जब से कर रहे हो? बस 3.5 नंबर पे। ये जो स्कूल ये कब से यह आमाइशगा बना हुआ है चरस और दिगर मनुष्य? 4 साल से देख रहा हूँ मैं तो। 4 साल से? तो कोई भी अफसरान नहीं आते यहाँ पर? जी सर, आते भी हैं तो पैसे लेके चले जाते हैं सर। क्या पैगाम दोगे जरा पैगाम दो, क्योंकि मुझे पता है नशे में जो ना आदमी सच बोल देता है। पता सर बंद हो जाए नशा, बाकी यहाँ से बंद हो गया ना, लेकिन मैंने इलाके में से। अच्छा, तो बाकी छोड़ देंगे। तो ये गवर्नमेंट स्कूल की अगर ये बिल्डिंग ही बंद हो जाए तो ये समझते हुए नशा बिकेगा यहाँ खुलम खुला? नहीं बिकेगा। अच्छा, पुलिस पकड़ती है आपको? जी सर, 2-3 दफा पकड़ा। पकड़ा? मोबाइल भी छीन लिया था उस दिन। जी सर, 2-3 दफा पकड़ा। पकड़ा? मोबाइल भी छीन लिया था उस दिन। जी सर, 2-3 दफा पकड़ा। पकड़ा? मोबाइल भी छीन लिया था उस दिन एक दफा पुलिस वाले ने। मोबाइल छीन लिया आपसे पुलिस वालों ने? क्या क्या छीना बताओ? मोबाइल छीना और पैसे निकाल लिए जो जेब में पड़े। कितने पैसे? 200 रुपये थे। 200 रुपये? ये देखें आईजी साहब, आपकी पुलिस खूब जो है ना हमारी गश्त पर मामूर होती है और खूब हिफाजत कर रही है, क्या इस पुलिस पे भरोसा किया जा सकता है? यकीन करें, मेरा दिल कर रहा है मैं रो पड़ूं यहाँ पर। मुझ जैसा आम शख्स जो है इतना दिल बर्दाश्त हो सकता है इस नौजवान को नशे की लत में देखकर? तो पुलिस तो पुलिस है, उन्हें तो इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए ना, कि इनसे इनके पास 200-250 रुपये ही होते हैं, फिर चोरियाँ करके वो भी, बस नशाई तो ऐसे होते हैं चोरियाँ करके, अच्छा कहीं पर भी किसी का जेब काट के अपने नशे के लिए पैसे निकाल रहे होते हैं, वो भी पुलिस लेके जाती है। मैं नहीं कह रहा आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, एसएसपी कोरंगी साहब, ये देखें ये सिंध गवर्नमेंट का शागिर्द, मनुष्यात का शागिर्द कह रहा है। कौन लेके कौन जाता है आपसे आपके पैसे, आपका मोबाइल और दीगर? अच्छा, और नशा जो है वो कौन ले जाता है? पुलिस वाले लेके जाते हैं सर। नशा भी? जी। अगर आप चरस पी रहे तो वो भी ले जाते हैं सर। अगर जो भी जेब में होगा वो निकाल। दोबारा बोलो, अगर आप पाउडर पी रहे तो वो भी पुलिस वाले ले जाते हैं सर। पुलिस वाले लेके जाते हैं। चरस भी हो, कोई सा भी नशा हो। अच्छा, आपको लेके नहीं जाते? नहीं सर। आपको मना नहीं करते? नहीं पियो? नहीं नहीं सर, कभी नहीं समझाया। अच्छा, कभी मना नहीं किया? ये देख सकते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप दिखाओ ज़रा नशा, दिखाओ दिखाओ। ये देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, हमें तो ये भी नहीं पता। पाउडर है, इसको किस तरह करके पीते हो? पन्नी पे डाल के। पाउडर में क्या? हीरोइन है? पन्नी पे डाल के। ये हीरोइन है? जी जी, हीरोइन। ये देख सकते हैं एडिशनल आईजी साहब, आईजी साहब, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के डीसी साहब, एसी साहबान, ये देखें आप लोग अपने चिल का मनु से बाहर नहीं निकलते हैं, और जो आपकी टीमें बाहर निकलती है वो क्या कर रही हैं? पेट्रोलिंग में जो पुलिस होती है, अमला होता है, नफरी होती है, वो क्या कर रहे हैं ये भी देखें। ये हीरोइन है, दिस इज़ हीरोइन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट शुड बी स्टॉप्ड। जी, शागिर्द नंबर 4, ये थोड़ा सा शातिर है, ये पक्का जिसको कहते हैं मनुष्यात का आदी है। कब से कर रहे हो? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए मैट्रिक करीब पास करने वाले हो इस स्कूल से, है ना? अच्छा, 4 साल कहाँ इसी जगह में बैठ के करते हो? जी सर। इसी जगह में? जी। अच्छा, ये कौन सी जगह है? कुरंगी 6 नंबर सर। क्या है, कहाँ कहाँ बैठे हैं इस वक्त? छत तले? गवर्नमेंट स्कूल है सर ये। गवर्नमेंट स्कूल है, और पुलिस क्या करती है? पैसे वगैरह ले लेते हैं। ये क्या चीज है सर? हीरोइन है सर ये। हीरोइन पी रहे हो? जी सर। कब से पी रहे हो ये? 4 साल हो गए सर। इसी को देखो। हाँ, 4 साल हो गए सर। 4 साल से पी रहे हो? बच्चे हैं? जी सर।
कितने? दो बेटियां हैं मेरी। है? दो बेटियां हैं मेरी। दो बेटियां हैं जी सर। तो क्या करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें दो बेटियों के बाप होके तुम पी रहे हो यार? जी सर बिल्कुल आती है सर, तो अल्लाह से दुआ है कि अच्छा अब ये बताओ, अगर ये स्कूल में इजाज़त नहीं होती ये हेरोइन पीने की, चर्स पीने की और मैंने शियात का खुलम खुला इस्तेमाल करने की, तो तुम मवाली बनते आज? नहीं सर। जोर से बोलो। नहीं सर। फिर से बोलो। नहीं सर। अगर ये स्कूल में इजाज़त नहीं होती ये पीने की, तो तुम आज इस नशे की लत में लगते? नहीं सर। अगर ये इजाज़त नहीं मिलती तो तुम दो बच्चों का बाप हो के इस लानत में मुब्तला होते? नहीं सर। नहीं होते। नहीं सर। ये देख सकते हैं आप, इदारे हमारे सो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है ये किसका बच्चा है, उन्हें क्या पता। वोटर ज़रूर है, वोट के दिनों में लाजिमी यहाँ तशरीफ़ लाते होंगे MP MNA और जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं वो हजरत आते हैं, उनके साथ उनकी जो नफरी होती है उनके बॉडीगार्ड भी आते हैं, तमाम तर चीज़ें यहाँ पर क्या इन ऑर्डर होती, उस वक्त यहाँ नशा नहीं होता होगा, यहाँ जो नफरी होती है उनके लिए ये जगह रिहाइश क्या, जो दूर दराज से उनके लिए नफरी आती है वो रिहाइश साल से बिक्री है इसी स्कूल में जी सर, 30-35 साल से जी सर, किसी को कोई मतलब फिक्र नहीं है? नहीं सर। बेचता कौन है? पहले ये सलाउद्दीन के वालिद बेचते थे साजो पठान। अच्छा। अब सलाउद्दीन उनका बेटा बेचता है, साजो खान का तो इंतकाल हो गया। तो इस सलाउद्दीन को कोई पकड़ती नहीं पुलिस? सर काफी दफा पकड़ के ले जाते हैं, बस फिर छूट कर आ जाता है, इससे आगे अल्लाह बेहतर जानता है, कानून बेहतर जानता है सर। वेरी गुड जी सर, तुम तो काफी ग्रेजुएट लग रहे हो। मैट्रिक पास सर? मैट्रिक इसी स्कूल से मैट्रिक पास किया अनिशियात में? सर 7-8 साल हो गए सर नशा करते हो। नशा करते हो? कौन सा नशा करते हो? ये चरस पाउडर का सर। पाउडर मतलब? नशा पाउडर का और चरस का। पाउडर क्या मतलब, पाउडर बताओ? पन्नी इन्नी पाउडर भी नशे करते हैं सर। हीरोइन? हीरोइन जी। हीरोइन पीते हो जी? अच्छा, हीरोइन को बेचता कौन है? बेचते हैं सर यहाँ पर जो आते हैं सेली ले लेते हैं सलाउद्दीन के यहाँ से। क्या कोई है? जो मवाली आते हैं सर वो उनसे एक आध दाना ले लेते हैं। सरगना का नाम क्या जो भेज रहा है यहाँ का जो असल बंदा है वो कौन है स्कूल का? अच्छा वो तो सलाउद्दीन बेचता है। वो तो सलाउद्दीन बेचता है। अच्छा, अगर सलाउद्दीन अंदर होता सलाखों में होता, ये स्कूल अगर ताला लगा होता या चौकीदार होता, तो आप ये नशे के आदि बन जाते? नहीं सर। नहीं बन जाते।